सो राइट नाउ आई एम इन कोंकण रिसोर्ट और जस्ट आधा घंटा पहले हम लोग पहुँचे हैं। बहुत थके हुए हैं, काफ़ी ट्रैवलिंग हो गया, फेरी एक्सपीरियंस हो गया। सो ये एक्सीडेंटल बुकिंग था बहुत, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा हम लोग घूम रहे हैं। एंड लेट्स सी, अभी वी आर गोइंग फॉर बाहर जाके, वी आर गोइंग फॉर लंच बिकॉज यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस बंद है इन द होटल बिकॉज ऑफ द कोविड रीज़न। तो आप बाहर से कर सकते हो, बट इधर बहुत नियर बाय रेस्टोरेंट्स है, लाइक 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट पे वॉकेबल डिस्टेंस पे आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। सो इवू इज़ इन्जॉइंग, ये सबसे ज़्यादा इवू इन्जॉय कर रहा है, पीछे मेरा इवू है। मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पे चेकआउट करने का सोच रहे हैं, ये जो होटल रूम है, दिस इज़ द रूम। सो हम लोग के इसके ऊपर वाला रूम मिला हुआ है, तो लेट्स सी हम लोग, 1 मिनट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से। ओके, जो ऊपर का रूम है वो अभी हम उसमें रह रहे हैं, सो मॉर्निंग में इधर नीचे शिफ्ट करेंगे। ओ माय गॉड, ही टॉक्स। एक मिनट, तुझे नजरेगा। ओह, यू सो स्मार्ट। कैसा एक्सपीरियंस आपका इधर? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बट हम आए एंड सडनली बारिश चालू होने लगी, तो आई आस्क हिम कि बारिश होती है, बोलते नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम हुई है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे पुराने दिन हम लोग के लिए है यार, एक हल्की बारिश हो रही है, क्लाइमेट हैज चेंज सडनली नाउ। मतलब वो एकदम, मुझे तो शिमला वाली फीलिंग आ रही है। मैंने ये रूम में, तो शिमला में नहीं है, गोल्डन वाले घर होते हैं मैं जब भी वीडियो बनाना चाहता हूँ तो ये गुंडू छोटा सा एक बहुत जोर की आवाज़ करता है ताकि मैं वीडियो ना बना पाऊँ, बट फ्री में वीडियोस बनाता हूँ। गुंडू जितना भी डिस्टर्ब करे मुझे, बिकॉज आई एम यूज टू, बिकॉज आई गेट यूज टू माई गुंडू नाउ। सो ये देखिए, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है। सो मैं आपको क्लोजअप लेके दिखाने का ट्राई करता हूँ किस तरह का है ये। सो ये देखिए, अंदर से ये रूम जैसे है, यहाँ पे छोटा सा गुड्डू एक बैठा हुआ है, पूरे घर का रूम का उसने तहस नहस कर दिया है। अच्छे खासे कोकन रिसोर्ट को उसने कुछ और ही बना के रख दिया है, रूम को, सॉरी। तो बेचारे को कितनी चीटियां काटी, ऐसे मत बोल। नहीं नहीं, इसको मेरे बच्चे को चीटियां काटा, तो गुड्डू इसके लिए फिर ऐसे। पूरा डिजाइन कुछ अलग टाइप का है यार, इस देखिए इसका डिजाइन से एक लाइक वुड आर्क को ऐसा लगेगा, कोई कोंकण वाला फील आएगा आपको यहाँ पे आने के बाद। मेरा एक्चुअल वैसे ही है, तो अभी हम लोग है प्योर वेज रेस्टोरेंट में जो कोंकण रिसोर्ट के बाजू में है, एंड समबडी इज एंजॉयिंग। गुड्डू काफी एंजॉय कर रहा है इधर। इवू का गंदा आदत क्या है ना, शी पुट्स हैंड इन द जार। मेरी इवू भी कोई गंदी आदत, अच्छी आदत है, हाथ डाल दो से पानी के अंदर दूसरे आदमी को दो पीने के लिए वो पानी माँ कैसे खुश हो रही है। ओके, सो राइट नाउ वी आर इन श्री कृष्णा होटल एंड इट्स अ प्योर वेज रेस्टोरेंट एंड बेस्ट चीज़ एवर कि हमने अभी मंगाया मशरूम मटर पनीर एंड विथ 2 रोटीज बिकॉज बटर नान नहीं था उनके पास। सो एंड ईवा इज एंजॉइंग हियर। ईवा मेरा पांकू, मेरा टूकू। सो ईवे ने अपना फूड खा लिया, बट अगेन उसका फेवरेट हक्का नूडल्स हम लोग ने मंगवाया है ईवा के लिए,
and somebody is waiting for food. Actually मैं ही भूख कर गई थी बिकॉज मुझे बहुत कस के भूख लगी है. इवन दो हमने शाम में खाया था फिश, सो वी डिसाइडेड कि कुछ लाइट खाएंगे. वी आर नॉट गोइंग टू हैव सम हैवी फूड ताकि वो डाइजेस्ट होने, बिकॉज वी हैव टू डू ट्रैवलिंग टुमारो एंड कल हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं. सो वी डोंट वॉन्ट कि आवर स्टमक शुड गेट अपसेट, सो वी आर गोइंग टू हैव लाइट. और लाइट में यही खाना मंगवाया है हमने, और जो भी है हम वी आर गोइंग टू शेयर इट एंड हैव. यहाँ पे कोंकण रिसोर्ट में तो बंद है सब रेस्टोरेंट वगैरह, बट वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस में काफ़ी रेस्टोरेंट्स है. यू कैन कम 1 or 2 minutes वॉक पे, सो ऑल रेस्टोरेंट्स आर ओपन हियर. तो यहाँ पे नॉनवेज भी रेस्टोरेंट चालू हो गए. पहले हम लोग जब 10 साल पहले आए थे तो यहाँ पे नहीं थे, और अभी नॉनवेज रेस्टोरेंट्स आर ऑल्सो ऑपरेटिंग इन दिस गणपतिपुरे. तो इफ़ यू वॉन्ट टू हैव यू कैन हैव, बट इफ दर्शन कर रहे हैं तो उस दिन आप नॉनवेज मत खाइए. ऑब्वियसली उस दिन कोई भी नहीं खाएगा. कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग खाते खा के जाते तो वो नास्तिक लोग होंगे और कोई नहीं होंगे. ऐसे लोगों को बैंड कर देना चाहिए. ओके सो नाउ मैं कुछ बोलने वाली थी, मैं भूल गई. ओके सो वी आर गोइंग टू प्लान टुमारो फॉर अ ट्रिप. लाइक सबसे पहले एक तो नियर बाई बीच होटल से बहुत नियर बाय है हम लोग के, तो सबसे पहले जाएंगे, वी विल टेक अ दर्शन टुमारो. एंड फिर उसके बाद इफ वी फील सो तो हम स्पॉट्स पे जाएंगे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू चिल आउट बिकॉज होटल वेन्यू इज सो गुड कि हमें मन ही नहीं कर रहा होटल से बाहर निकलने के लिए. इट्स सो अमेजिंग, फील सो रिलैक्स एंड काम. एंड स्पेशली यहाँ का एटमॉस्फियर अभी बहुत इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है ना, मतलब इतना पूरी ठंड है एंड यू विल फील लाइक शिमला वाली फीलिंग ओवर हियर. बहुत अच्छी ठंड है एंड फील सो गुड, एयर इज सो प्योर ओवर हियर. सो इट्स लाइक कम्प्लीटली अमेजिंग फीलिंग ना यहाँ पे. शिमला वाली ठंड तो नहीं हो सकते, बट यस क्लाइमेट इज़ वेरी गुड. इसका कल अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ का, और क्लाइमेट इज़ वेरी गुड, नॉट लाइक बहुत एक्सट्रीम ठंड है या बहुत एक्सट्रीम गर्म है. नहीं हाँ, इट्स बहुत ही प्यारा क्लाइमेट है. हाँ आई कैन से इट्स वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ एटमोसफियर बिकॉज ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा ये है. And feel so good. Air is so fresh, and I know that कि nearby ये beach है तो वो हवा के झोंके आते हैं ना, वो वैसे type of है. तो मुझे feeling बहुत अच्छी आ रही. तो you know we went to Mahabaleshwar once, तो same वैसी वाले वैसा ही माहौल है यहाँ पर. So it's like quite good. हम लोग एक्चुअली महाबलेश्वर जाने वाले थे, बट नाउ मैडम ने डिसाइड किया हुआ है उनको गोवा जाना है, तो we have dropped all over other plans. हम लोग अभी परसों कल यहाँ पे दर्शन करके परसों विल मूव आउट टू गोवा. सो बीबी हमेशा सही बोलते हैं, तो बीबी का सुनना चाहिए. मेरे को कुछ कमेंट नहीं करना इसके. Came back and this is the entrance of Konkan Resort. देखो कुछ है रेस्टोरेंट में बड़ा आतंक डाला था मेरे गुंडों ने. अभी इधर भी देखो. Hi guys, तो हम खाना खा के आ चुके हैं एंड अब जाएंगे सोने बिकॉज वी रियली रिक्वायर्ड अ रेस्ट. सो मैं यहाँ पे सो मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ. होप यू लाइक दिस वीडियो फुल ऑफ सरप्राइजेस, फुल ऑफ न्यू थिंग्स एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट थी चीज़ों के लिए. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड 3 black black yes 3 black ships. बाय.